ओके सो व्हाट्सअप गैजेट सभी के एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में कुछ इस तरह का वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं कल ही डालने वाला बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, इस वजह से नहीं डाल पाया, तो यार इसके लिए सॉरी। और इस वाले वीडियो को इन तक देख लेना गाइस, क्योंकि बीट के अनुसार एडजस्ट करने के लिए आपको पूरा इन तक देखना होगा, तो ही आप अच्छा से समझ पाओगे ताकि अपना इमेज को आप अच्छा से एडजस्ट कर सको। तो इन तक जरूर से देख लेना। एंड इस वाले वीडियो के अंदर जो भी इफेक्ट्स साउंड वगैरह ये सारी चीज़ यूज हो रहा, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल देता हूँ, सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट नो का ऑप्शन मिलता है, तो इस वाले पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट रेशियो 90:60 सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे जो है टैप कर देना। तो यहाँ पर आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक फर्स्ट में लेफ्ट साइड में सेटिंग आइकन दिखता है जो कि प्रोजेक्ट सेटिंग है, तो आपको इस वाले पे आपको क्लिक करना है। एंड इस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडिटिंग पे जो है क्लिक करना होगा, ओके। तो ये करने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट में फोटो डायरेक्शन मिलता है जो कि आपको 4.5 होगा, सभी में ये रहता है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 1 सेकंड जो है कर लेना है। एंड सेकंड में आपको यहाँ पर आपको फिनिशिंग सेलेक्ट करके यहाँ आपको जो क्रॉस वाले आइकन दिखाई इस वाले पे आपको टैप करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर गए आपको फर्स्ट में जो 2 फोटो को ऐड कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपको और भी फोटो को ऐड करना होगा, तो आपको फर्स्ट में पहले 2 फोटो को ऐड करना है, उसके बाद आपको क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके पूरा फर्स्ट में आ जाना है, ठीक है। सो फोटो 2 फोटो को ऐड करने के बाद लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ आपको एक वीडियो को ले लेना होगा, सो सिंपली से आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो को ले लेना। एंड इसे लेने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना। एंड एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, तो इस वाले पे क्लिक करके इसे आपको जो है डिलीट कर देना, ओके। तो ये करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम कर लेना। एंड ये वाला जो सेकंड वाला इमेज होगा इसका लेंथ है आपको कम करके यहाँ आपको कर लेना है, ऑलमोस्ट 8 सेकंड तक कर लेना, 0.8। एंड उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही रहने देना। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे इन में आने के बाद आपको फिर से सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना, एडिटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जो 1 सेकंड करा हुआ था इसे आपको 0.1 कर देना। एंड फिर आपको क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके कट करना। एंड आपको फिर से मीडिया पे जो है क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपने इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको ऐड करना है कुछ मतलब 10-15 इमेज को ले सकते हो आप, ठीक है, 15 इमेज ऐसे ले लेना आप, ओके। तो यहाँ पर इतना इमेज को लेना ताकि यहाँ पर जो है ये वाला मतलब जो ये सेकंड दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको 3 सेकंड तक ऑलमोस्ट हो जाए, ओके। तो इतना कर लेना। उसके बाद आपको जो सेटिंग आइकन था इस वाला आपको फिर से टैप करना, एडिटिंग पे टैप करके यहाँ पे आपने जो 0 पॉइंट इतना करा हुआ था इसे आपको 0.5 कर लेना, ओके। तो इतना करके यहाँ पर आपको फिर से क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना, एंड बैक हो जाना। एंड मीडिया फिर से क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो है आपको फिर से जो है अपना इमेजेस को जो है ऐड कर लेना, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है और जो मेन में इमेज रखना चाहते हो आप उसे ऐड करना, ओके। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 इमेज ही लेना, उसमें ही आपका जो है ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, ओके। तो इतना हो गया है जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी है ये। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला इमेज होगा उस वाले पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको क्लिक ग्राफिक्स पे आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको कॉल में डीजे का यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, जो कि आपको बीट से आपसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में फर्स्ट वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना, सेकंड में आ जाना, आपको फिर से क्लिप ग्राफिक्स पे आ जाना। एंड इस पर अगर यहाँ पर आपको नंबर 2 वाला ऐड करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। एंड फिर से यहाँ पर आपको मतलब आपको क्लिप ग्राफिक्स पे आ जाना। एंड यहाँ पर आपको नंबर 3 वाला, एंड फिर से आपको इस वाले पे आकर नंबर 4 वाला। सो यहाँ पर आपको मैंने नंबर 4 करा। एंड फिर से आपको यहाँ पर नंबर 2 कर देना है। एंड उसके बाद आपको नंबर 3 कर देना, ओके। तो ये कर देना आप। एंड ये वाला साउंड से कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पूरा साउंड के इन में जाना। एंड इसे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर जितना कर देना, तो ये 8 सेकंड का हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको पूरा स्टार्टिंग में आकर लेयर पे क्लिक करना, मीरा पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ आपको एक मतलब जो है लाइट इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना, जो कि ये वाली वीडियो है। तो इसी लेने के बाद आपको इस वाले पे क्लिक करके प्रोफेटेशन करना, बैक हो जाना। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ आपको आ जाना है नीचे, और ब्लेडिंग में आकर यहाँ आपको मल्टीप्ले का ऑप्शन मिलता है, तो इस वाले पे क्लिक करके ऑपोसिटी में आकर यहाँ आपको कर देना है 20, ओके। एंड उसके बाद आपको बैक हो जाना है। एंड उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का, ओके। तो स्पीड पे आकर यहाँ आपको स्पीड कर देना है 2, एंड बैक हो जाना। एंड इसका जो साउंड होगा इसे आपको म्यूट कर देना, ओके। एंड उसके बाद आपको पूरा स्टार्टिंग में आकर लेयर पे क्लिक करना, मीरा पर क्लिक कर देना होगा। एंड उसके बाद यहाँ आपको एक पार्टिकल इफेक्ट वाले वीडियो को ले लेना होगा बेसिकली, तो ये वाला है। तो इसे लेने के बाद पहले तो थोड़ा सा आगे आ जाना। एंड इसे आपको कट लगाना पड़ेगा, तो इसे कट लगा कर इसे आपको पूरा स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसी वाले वीडियो पे क्लिक करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है, क्रॉपिंग में आकर इसे आधा क्रॉप करना, आधा से ज़्यादा ही करना। एंड बैक हो जाना। एंड नीचे ब्लेडिंग में आ जाना है आपको, एंड स्क्रीन सेलेक्ट करना, ठीक है। एंड इसका भी ओपेसिटी आपको कुछ कम करना पड़ेगा, जो कि आप 80 तक कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो साइज़ होगा यहाँ पर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपको साइज ये यहाँ पर आपको इंक्रीज करके कुछ इतना बड़ा कर देना। एंड यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना, एंड एंड पे क्लिक कर देना, ओके। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा जो है स्टार्टिंग में आ जाना है। एंड ये करने के बाद आपका जो वीडियो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा रहा हूँ, ओके।
सो ये करने के बाद आपका वीडियो रेडी हो चुका है, आपने सुना भी है। एंड इसे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस वाले पे क्लिक करना है एंड क्वालिटी से लेकर के आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप एंड आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो पसंद आता वीडियो को लाइक करना एंड पसंद आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो यार मैं बोलते हैं वीडियो में गई, तब तक के लिए बाय। और जानको पहना हो चलो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, इंस्टा फॉलो भी कर लेना। ओके।